शायद भाई बॉलिंग कर रहे थे, तो मैं बिल्कुल 18-19 साल का बच्चा था, तो मैंने उनको पहले एक चौका मारा, फिर नेक्स्ट एक दो बॉल बाद छक्का मारा, उससे वेरी नेक्स्ट बॉल उन्होंने मुझे बोल्ड कर दिया। सही, तो वो उन्होंने वो रिएक्शन दिया, इशारा मुझे किया कि पवेलियन की बोला तरफ क्या ना। था? तो शायद भाई का इंटरव्यू हो रहा था, तो उधर से गुजरे, मैं उसामा के पीछे छुप रहा हूँ, उसामा शायद भाई गुजरे। आप ग्राउंड में हो, आप सीनियर जूनियर नहीं हो, लेकिन हमारी टांगे इजाजत नहीं दे रही। काम पे टांग गई। हाँ, काम पे टांग गई। मैंने अंदर कलमा शलमा सब कुछ पढ़ लिया था, मैंने कहा आखिरी वक्त आ गए। अच्छा मुझे ये बताएं, ऑनलाइन क्लासेस तो सुनी थी, ऑनलाइन हमने एग्जाम सुने थे, ये ऑनलाइन कोचिंग वाला क्या सीन है भाई? सारे क्रिकेटर्स हम बात करते हैं कि 6 टीमें बहुत कम थी, पाकिस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है जी। और आई गेस 1-2 करोड़ बंदा तो सिर्फ क्रिकेट खेलता होगा। बिल्कुल, तो बैट्स से फर्क पड़ता है या बैट्समैन से फर्क पड़ता है? दोनों चीजों से पड़ता है। इमरान खान, आप ऐसे किसको वोट डालेंगे? हाँ, मैंने लास्ट टाइम इमरान खान को डाला था। वे लियो नून लीग दी हुकूमत से, जो पहले नंबर पे इमरान खान, दूसरे नंबर पे शायद अफरीदी। ये तो अब आपकी अपनी वो मर्जी है, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो ये आप इस बात से नहीं एग्री करते? उन्होंने कहा जनाब एक बॉल खिलाइए, उन्होंने कहा जनाब बाहर आ जाए, वो गेट है सामने। बहुत दफा हुआ है इधर नीचे लेवल पे बात की जाए। आप नाम नहीं, बट आई वुड नेम अहमद शहजाद है, उमर अकमल है, वो आके सामने आना शुरू हो गए। ठीक है, वो आपके बहुत अच्छे दोस्त है, और फिर आपको ड्रॉप कर दिया जाता है, और फिर रिकवर करना, इस प्रोसेस से गुजरना कितना मुश्किल होता है एक प्लेयर के लिए। टैलेंट या मेहनत या इन दोनों का कॉम्बो, क्या चीज़ काम आती है? या पूरा साल आपके सर पे पीसीबी कोई बंदा नहीं छोड़ेगा कि यार ये क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। उस बंदे ने एज वाला वो सारा साइड पे कर दिया। क्या वो खाते ही नहीं, तो आप उनके साथ ड्रेसिंग रूम भी आपने शेयर किया हुआ है, वो उनकी डाइट क्या है कि अंदर ये आगे पीछे हो सकती है, ये एज कोई प्लेयर कम लिखवा सकता है, ये इसके अंदर कितनी हकीकत है? यार ये होता रहा है, और अच्छा। होता था पहले भी, राइट। अभी भी मैं कहीं टीवी मैच खेल रहा हूँ, गलत करूँ तो वो मुझे डांट पड़ती है। हाँ, देखोगे बगैर एविडेंस के, बगैर किसी सबूत के किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, और फिर बाद में कह रहा हूँ नहीं जी, और सानू पता है 2007 का वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसके बाद मैंने पहली दफा आपको नॉकिंग करवाई थी। मेरे ख्याल से थोड़ा सा दुनिया के सामने फेक भी बनना पड़ता है। उन्होंने कहा यार ये अब्दुल्ला शफीक से बहुत बेहतर है, लेकिन अपनी हरकतों की वजह तो नहीं जा पा रहे। मेरी मिस्टेक थी। अस्सलाम वालेकुम साहब भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, जबरदस्त। आप सुनाएं। सर अल्लाह का शुक्र है। सैफ बदर जो पाकिस्तान अंडर 19 खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, आप PSL खेले, आपकी बहुत सारी स्टोरीज हैं, वो आगे चल के हम उनको डिस्कस करेंगे। क्रिकेट कहाँ से शुरू की और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? जो सारे वाकयात हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो अच्छे वाले होंगे। अच्छे वाले ही होंगे। तो क्रिकेट ऐसे ही मुझे बचपन से शौक था, बचपन से भी पहले जब बहुत बच्चा था, तो बस मेन चीज़ ये है कि अब्बू को शौक था, अब्बू चाहते थे कि उनका बेटा क्रिकेट खेले, क्योंकि उनका शौक था वो खेले लेकिन नहीं खेल सके। तो बस उन्होंने, मैं काफ़ी छोटा था 9 साल का, तो मुझे वो ग्राउंड में लेके गए, तो तब से सीखनी स्टार्ट की। पता नहीं था कैसे चलते हुए रास्ते आसान भी होंगे मुश्किल भी होंगे, लेकिन सियालकोट से स्टार्ट की, मेरे कॉलेज मिठू भाई के पास, आप भी जानते हैं, वहाँ से स्टार्ट की, फिर स्टेप बाय स्टेप अंडर 16 अंडर 19, फिर आमिर भाई आमिर वसीम उनके पास खेली, तो ऐसे ही स्टार्ट की। ठीक हो गया। मुझे आज भी याद है, एक दफ़ा मैं भी आपके पास नेट करने आया था, आपके वाले साहब ने मुझे तब बोला था, आज भी मैं उनकी बात याद है मुझे, कि उन्होंने कहा जनाब तेनों यहाँ लेफ्ट आर्म स्पिनर बनाना है। मैंने कहा नहीं अंकल, मैं फास्ट बॉलिंग ही करनी है। वो आज मैं पछता रहा हूँ कि मैंने क्यों उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि मेरी खुद फिटनेस इशूज़ फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा होते हैं, और जिस तरह की हमारी रूटीन है, तो मेरा ख्याल है स्पिनर बन जाता है उस वक्त, उस टाइम उनकी बात मान लेता तो ज़्यादा बेहतर था। तो वो एक अच्छे कोच भी हैं, उन्होंने मेरा याद आपको काफ़ी हेल्प आउट किया है और बड़ी मेहनत करवाई है, और वालिद अगर साथ जाके इतनी मेहनत इस तरह से करवाए तो बच्चा ज़रूर खेलता है। बिल्कुल, कोई भी बाप, स्पेशली आपको पता है हमारे इधर कल्चर में बहुत कम होता है कि किसी को फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं होती। बिल्कुल, तो मैं वो हूँ जिसको फैमिली की ही सपोर्ट थी। अब्बू की इतनी ज़्यादा सपोर्ट थी कि अम्मी दादी माँ दूसरे फैमिली के मेंबर वो नाराज़ होते थे जब मैंने स्टार्ट की,
तो लेकिन अब्बू कहते थे कि नहीं यार, जो मर्जी हो, इसकी स्कूलिंग ख़त्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन क्रिकेट इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। घर में दो ग्रुप बन गए थे, आप और हाँ वाले साहब और बाकी फैमिली एक साइड पे। जी बिल्कुल ऐसे ही था। फिर ऐसा एक टाइम ऐसा आ गया था, अब्बू कहते थे ये मेरा बेटा है, इसको मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी करवाऊँ। बिल्कुल। बड़े भाई को अम्मी कहती थी कि ये इसको मैंने पढ़ाना है और ये ऐसे करेगा। अच्छा, मुझे अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, एजुकेशन की आपने बात की। मैंने इधर सियालकोट में स्कूलिंग की, फिर एक टाइम आया जब मुझे अंडर 16 खेलने के लिए इस्लामाबाद जाना था। जिस स्कूल में जाता था उन्होंने बोल दिया कि हम 15 से 20 दिन की छुट्टियाँ नहीं दे सकते। तो फिर उस दिन के बाद मैं स्कूल नहीं गया। लेकिन ये है कि मैट्रिक मैंने जो ओपन आप प्राइवेट जो एडमिशन भेज के करते हो, जी मैट्रिक वैसे किया, फिर इंटर वैसे किया। तो बस उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, PSL में सिलेक्ट हुआ, तो उसके बाद टाइम नहीं मिला कि मैं स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकूं। लेकिन उसमें सैफी भाई ये चीज़ है ना कि स्कूल्स को भी चाहिए कि इस तरह के बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, और भी आगे बच्चे जो अंडर 13, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 खेलते हैं, बच्चों को टूर्स पर जाना पड़ता है। बजाय स्कूल्स को, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो सपोर्ट करने की बजाय वो उल्टा कहते हैं कि हम छुट्टी नहीं दे सकते। ये कल को वही बच्चा जब पाकिस्तान के लिए खेल जाता है या बड़ी क्रिकेट खेल जाता है, फिर उसी को जो है वो वापस बुलाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्कूल्स का जो है ये कसूर है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, जो कि यूरोप के अंदर बाहर बच्चों को सपोर्ट किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल ये जो आपने बात किया इस सिनेरियो से बिल्कुल 100% फिट बैठता है मुझ पर। कि अभी रिसेंटली 2 से 3 माह पहले की बात है, मैं उसी स्कूल में गया तो उन्होंने काफ़ी मेरा वेलकम किया। अच्छा। और मतलब तो वही थे कि वो जिन्होंने कहा कि यार हम नहीं, हमारे स्कूल का रिजल्ट ख़राब होगा, ये पढ़ाई से इतनी देर दूर रहेगा। तो बिल्कुल अगर अभी रिसेंटली स्कूल क्रिकेट हो रही है, तो मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स ज़्यादा मतलब आगे जाए, तो ना कि क्रिकेट बल्कि दूसरी और भी स्पोर्ट्स हैं, तो स्कूल्स को चाहिए कि ऐसी ऐसे की एक्टिविटीज़ हों कि जिससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो और वो स्पोर्ट्स की तरफ जाए, जिससे इन अच्छा, फ्यूचर जाके। मुझे ये बताएं कि PCB क्या एजुकेशन देती है बच्चों को, क्या वो जो आगे जो क्रिकेटर्स आते हैं उनको कोई क्लासेस दी जाती है, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट है कि आप अपनी एजुकेशन को कैरी ऑन रख सकते हैं? नहीं, ये आपको इंडिविजुअल आपको खुद लेके चलनी पड़ेगी अभी तक जो सिस्टम है। लेकिन ये है कि अभी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे लाहौर में आई गेस कुछ अकेडमीज ऐसे शुरू हुए हैं जिनकी एक प्रॉपर काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग हो रही है कि आपकी वो स्टडीज़ आपको साथ और ये सारी चीज़ें। लाहौर कलंदर आई गेस मैंने सुना था, मुझे कंफर्म नहीं है, कि उन्होंने साथ बच्चों को स्टडीज़ का ख्याल रख रहे हैं या ऐसे। और इसके अलावा एक दो और हैं, तो PCB की तरफ से अभी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर वो इस चीज़ पर आएंगे। जैसे वो अभी स्कूल लेवल क्रिकेट पर वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो ऐसे इन फ्यूचर अगर ऐसे ही चलता रहा तो। टेल मी अबाउट योर पाकिस्तान अंडर 19 एक्सपीरियंस। आपने बांग्लादेश में वर्ल्ड कप खेला था, जी उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। वो पहला आपका बड़ा एक बड़ी बड़ा मौका था आपकी ज़िंदगी में, बड़ा इवेंट था जिधर आपने पाकिस्तान की शर्ट पहनी। टेल मी अबाउट दैट एक्सपीरियंस, हाउ इट फेल्ट। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आपको बताया कि फर्स्ट टाइम जब आप अपनी कंट्री को रिप्रजेंट करते हो, तो वो काफ़ी एक इमोशनल और ऐसे ऐसे का सिचुएशन होती है कि जो आपकी लाइफ में हमेशा आपके साथ रहती है, और आप उसको उसको इंजॉय करते हो उस मोमेंट को याद करके। तो ऐसे ही मैंने अंडर 19 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में खेला। इंडिया के अगेंस्ट कोई मैच खेला था? नहीं, प्रैक्टिस मैच खेले थे इंडिया के अगेंस्ट। ये 2 साल पहले इमर्जिंग एशिया कप सेमीफाइनल हम खेले थे, उसमें मुझे मैन ऑफ द मैच मिला था। अच्छा, सेमीफाइनल अच्छा, यानी आप अंडर प्रेशर सही खेलते हैं कह सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, PSL के अंदर आप आए और फिर अप एंड डाउन आए, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। आपको उस टाइम आप गुड बुक्स के अंदर थे, ऐसा लग रहा था कि अनकरीब आप खेल जाएंगे, योर परफॉर्मेंस वॉज गुड। लेकिन वो कहाँ पे क्या चीज़ आप समझते कि यार ये मैंने अगर कर ली होती, ये चीज़ मेरे से मिस हो गई, जिस वजह से मैं आगे नहीं जा सका, आगे इन अ सेंस कि पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सका? अभी क्योंकि अगर इंसान देखे तो सबसे पहले तो उसकी अपनी ही गलतियाँ निकलती हैं, वो चीज़ें जो मतलब मुझे जिनके बारे में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए था वो मिसिंग थी। वो मिसिंग इस वजह से कह सकते हैं कि मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ सियालकोट, काफ़ी अच्छे क्रिकेटर्स आए हैं, लेकिन अगर जैसे बात करें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तो वहाँ के लोगों बच्चों में अंडर 19 के बाद अवेयरनेस ज़्यादा जल्दी आ जाती है एज़ कम्पेयर टू सियालकोट। क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है ना उस तरह से, क्योंकि हमें वैसे का सही गाइड करने वाला नहीं है। मेरी उस मोमेंट पे सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैंने वो डिपार्टमेंट चूज़ किया कि जो जिसमें बहुत ज़्यादा बड़े नाम थे,
जी, तो जिसकी वजह जिसका नुकसान मुझे ये हुआ कि मैं 2 साल तक कोई फर्स्ट क्लास लिस्ट वगैरह का डोमेस्टिक क्रिकेट के मैच नहीं खेल सका अंडर 19, क्योंकि जो गैप होता है ना अंडर 19 और फर्स्ट क्लास का, जी जी, वो अगर बढ़ जाए तो इंसान बहुत पीछे आ जाता है। जो वो 2 साल मेरे ज़ाया हुए हैं, अगर क्योंकि आप सीखते तभी जब आप खेलोगे, बेंच पे बैठ के आप नहीं सीख सकते। तो वो मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ का मेरा सबसे बड़ा मेरी मिस्टेक थी कि मुझे उस टाइम पे वो डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहिए था कि जो छोटा डिपार्टमेंट होता और जहाँ मुझे मौका मिलता। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे सियालकोट की टीम भी फर्स्ट क्लास में नहीं थी। मुझे उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए कि यार मैं मेरे सियालकोट की टीम ने मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करके एक्स्ट्रा मेहनत करके तो मैं इस इधर आके अपनी जगह बनाऊँ, तो वो चीज़ के लिए मुझे और फाइटर होना चाहिए। वाकई याद आया, आई डोंट वॉन्ट टू नेम दैट पर्सन, आप बारी कर रहे थे, ये यहाँ पे एक ग्राउंड है, तो आप बैटिंग कर रहे थे, तो यकीन करें उस टाइम अब्दुल्ला शफीक भी पाकिस्तान नहीं थे खेले और सारे कंपैरिजन कर रहे थे। मैं नाम नहीं लूँगा कौन पीछे लोग खड़े हुए थे, उन्होंने कहा यार ये अब्दुल्ला शफीक से बहुत बेहतर है, लेकिन अपनी हरकतों की वजह तो के नहीं जा पा रहे। वो क्यों लोग आपको क्यों ये इतना क्रिटिसाइज, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों कह सकते हैं एक्चुअली बद से बदनाम बुरे वाला। तो मुझे ये जो आप बात कर रहे हैं, मुझे आइडिया है कि लोगों के बारे में, यार बस समटाइम आपको मेरे ख्याल से थोड़ा सा दुनिया के सामने करने के लिए फेक भी बनना पड़ता है। बिल्कुल राइट, तो वो चीज़ शायद मिसिंग थी। मैं समझता नहीं यार, जो इंसान है वो है, राइट। तो वो चीज़ फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता आके रियलाइज हुई कि नहीं यार, इधर हाथी के दांत दिखाने के और दिखाने के और वाला सीन आपको करना पड़ता है कि यार देखो आप हो, आप लोग आप, तो बातें करने के लिए हाँ, रेडी हैं। हाँ, वो कहते हैं ना पंजाबी जिन्ने मुंह होनी है गला। और एक और चीज़ है कि फिर आपको अब आप में साथ रहे, आपने नहीं, मुझे लगता है कि कितनी देर से कोई मेरे दस आठ दस साल से, नहीं 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 इससे भी ज्यादा। मैं आपको बताता हूँ, 2007 का वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसके बाद मैंने पहली दफा आपको नॉकिंग करवाई थी, बॉलिंग करवाई थी जिन्ना स्टेडियम के बाहर सियालकोट में, जो विकेट्स बनी हुई है। आपने आप सियालकोट रहते हैं, मैं भी सियालकोट रहता हूँ, आपने कभी मुझे आपकी मेरी कभी ग्राउंड ग्राउंड के अंदर मुलाकात हुई, ग्राउंड से बाहर कहीं मैचेस भी हमने इकट्ठे खेले हैं, नहीं प्रैक्टिस में मैचेस में हम इकट्ठे खेले हैं, उसके बाहर आपने मुझे बाहर कभी भी नहीं देखा होगा, घर से बाहर या कहीं इधर वैसे जो वीकेंड्स पे आप, हाँ तो मतलब वीकेंड्स पे हो जाता है, लेकिन मैंने आपको नहीं देखा, हमारी नहीं क्योंकि मेरी इधर है ही नहीं। मैं हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा मसला है कि वो एक बंदा बात करता है कि जनाब ये बंदा ऐसा है, और वो फिर अगर किसी महफिल में बात कर देता है, उसे ये नहीं पता कि वो किसी पे बोहतान लगा रहा है, ये उसे कितना डैमेज करेगा। जो वो देख रहे हैं वो सोचेंगे यार वो उस बंदे के बारे में उनके माइंड में आ गया यार ये ऐसा है, वो उसको क्लियर नहीं करेंगे कि यार क्या ये ऐसा है। ये हमारे कल्चर में ही है, ये नहीं किसी एक बंदे में, ये आप कहीं भी देखोगे। बगैर एविडेंस के, बगैर किसी सबूत के किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना और फिर बाद में कह रहा हूँ नहीं जी सानू पता है वो छोड़ दो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक क्रिकेटर ही है, मैं सियालकोट के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ही हैं। तो मैं आपको पता है कि मेरे वालिद साहब को, जैसे आपने बताया काफ़ी शौक है, वो मेरे कोच वो ही हैं, राइट। अभी भी मैं कहीं टीवी मैच खेल रहा हूँ गलत करूँ तो वो मुझे डांट पड़ती है, हाँ सही वाली डांट पड़ती हैं। तो उन्होंने घर के साथ ही, हमारे घर के साथ जगह थी वो नेट उधर लगाया हुआ था आपने, बिल्कुल उधर नेट्स वगैरह सारा कुछ ना मैं उधर करता था। अब घर के पास थी, मैं ज़्यादा टाइम भी दे सकता था, तो मैं अपनी प्रैक्टिस ट्रेनिंग सारा कुछ उधर करता था। काफ़ी टाइम के बाद मैं वैसे ही, मैं दिल किया कि मैं लॉन्ग रनिंग करूँ, तो मैं स्टेडियम गया, तो वहाँ वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मुझसे मिले। मुझे कहते हैं कि यार तुम्हें बड़ी देर बाद ग्राउंड में देखा, तुम तो ग्राउंड में भी नहीं आते। मतलब उनका कहने का मतलब था कि यार तुम मेहनत नहीं करते। बिल्कुल, तो इधर वो मेहनत अगर आप किसी के सामने, अगर मैं आपके सामने कर रहा हूँ आप बोलोगे कि यार ये कर रहा है, बिल्कुल। अगर मैं साइड वे कर रहा हूँ तो वो समझेंगे नहीं ये कर ही नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ। तो जो आपने वो बात की थी वो उस पर कर सकते हैं कि मेरे घर के बिल्कुल पास में अबू ने ग्राउंड बना दी, प्रैक्टिस की जगह बना दी, तो मैं तो उधर जाता था। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, नैरेटिव है, इसे आप जो भी कह लें, कहा जाता है कि जनाब एज जो है बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का। अंडर 19 खेल रहे हो और नहीं यार अंडर 19 लगता है, ऐ तो नहीं अंडर 19, एज को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है।
एज का कोई टेस्ट होता है इसका, कोई तरीकाकार, कोई मेडिकल होता है, और क्या एज के अंदर ये आगे पीछे हो सकती है, ये एज कोई प्लेयर कम लिखवा सकता है, ये इसके अंदर कितनी हकीकत है? यार ये होता रहा है और अच्छा। होता था पहले भी, अभी का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं अंडर 19 से बाहर आ गया हूँ, पहले का मुझे पता है, आपने तो नहीं बताऊंगा नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि अभी क्योंकि जैसे हर चीज कंप्यूटराइज होती जा रही है तो ये चीजें कम हो गई हैं। बिल्कुल, पहले बिल्कुल। क्योंकि इतना है नहीं था, काफी लेट ये चीजें, पासपोर्ट बन गया हर चीज, स्टडीज का रिकॉर्ड आ जाता है, फिर ये जो आपके बोर्ड के एग्जाम मैट्रिक और ये सारे, तो वो सारी चीजें आ गई हैं। अब आपने एक चीज चेंज करानी है तो आपको सारी चीजें चेंज करानी पड़ेगी। नहीं, फिर सारी चेंज नहीं होगी, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ आप चेंज करवा रहे हो तो आई गेस आपकी वो स्टडीज आया हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो फिर इस किस्म के रूल्स आ गए हुए हैं। तो ये अच्छा, मुझे ये भी नहीं समझ आती, पता नहीं क्यों हमारे यहाँ एज को इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है कि देखो जनाब 40 का हो गया, 42 का हो गया। शोएब भाई की मिसाल ले लेते हैं, शोएब मलिक मेरा ख्याल है हमसे ज्यादा तेज वो भाग लेते हैं, अभी भी हमसे ज्यादा फिट हैं, काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं उनसे वो बहुत ज्यादा फिट हैं, लेकिन फिटनेस को नहीं देखा जाता, एज को देखा जाता, नहीं यार इसकी एज ज्यादा होगी। तो शोएब मलिक ने वो उन्होंने खत्म तो कर दिया है, ये डिबेट ही खत्म कर दिया है इस उम्र में, माशाल्लाह क्या वो हम बोले। बिल्कुल, यो-यो टेस्ट वो पास कर रहे हैं, और यो-यो टेस्ट तो बहुत छोटी चीज है, आप उनको देखें तो आपके मुंह से एक ही माशाल्लाह निकलता है यार, उस बंदे ने एज वाला वो सारा साइड पे कर दिया। क्या आप उनके साथ ड्रेसिंग रूम भी आपने शेयर किया हुआ है, वो उनकी डाइट क्या है? वो बहुत कम, और उनको पता है कि यार मैंने क्या खाना है, क्या चीज है जो मेरी बॉडी को जरूरत है, और मैंने इसको वर्कआउट से कैसे बर्न करना है। तो वो उनकी लाइफ अगर देखो, अगर हम ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, नहीं वो अक्सर होता ना ऐसे, आप बंदा देख रहा होता है यार प्लेट में क्या, कौन सी ऐसी चीज ये डाल के खा रहे हैं जिसे फिटनेस आ रही है। नहीं खाते वो ही है जो हम खा रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ट्रेनिंग कह लें, डाइट। हाँ हाँ, बात ये है कि ट्रेनिंग करना मसला नहीं है, लेकिन उस रूटीन को आप अपने एक लाइफस्टाइल बना लो, वो मेन है। आप एक दिन, दो दिन, दस दिन कर लोगे, लेकिन अगर आपकी उनकी उनकी है कि उनकी लाइफस्टाइल ये बन गया, बेशक वो क्रिकेट खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, उनकी वो उन्होंने जिम जाना है तो करना है, खाना वो खाना। लेकिन ये कहीं बाकी और प्लेयर्स हैं, ये क्यों नहीं ऐसा माहौल बनाया जाता बोर्ड की तरफ से या प्लेयर्स की तरफ से, जैसे शोएब भाई एक एग्जाम्पल है तमाम उन क्रिकेटर्स के लिए जिनके फिटनेस इशूज आ रहे हैं, जो कह रहे हैं यार एज हम 35 से ऊपर चलेंगे पता नहीं परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, रनिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया जाता? और क्या जो कोचेज हैं जो आपके साथ जो वहाँ पे टीम्स होती हैं वो सजेस्ट करती हैं कि आपकी ये डाइट होनी चाहिए? यार इसमें सबसे पहले जैसे आप शोएब भाई की बात किया, वो हैं, वो उनको ना कोई बोर्ड कह रहा है ना कोई कह रहा है, वो खुद कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले जो इसके लिए फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको सेल्फ डिटरमिनेशन ठीक हो, वो लाजमी है, क्योंकि हर टाइम 24 घंटे या पूरा साल आपके सर पे पीसीबी कोई बंदा नहीं छोड़ेगा कि यार ये क्या खा रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं। तो सबसे पहले आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने साथ, अपनी फिटनेस का खुद ख्याल रखना, उसको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे खाने में, बाहर जाने में, पहनने में, अपना यू नो कि ट्रेनिंग के लिए टाइम निकालने में, तो वो नींद पूरी करना, डाइट, प्रोटीन वगैरह, ये खाना और नींद बहुत जरूरी है अगर आपके लिए, आप एक अच्छी फिटनेस चाहते हो, आपका डाइट प्लान, आपका आपने ट्रेनिंग किस टाइम करनी है और क्या ट्रेनिंग करनी है, मेन ये भी चीज़ है। सही, क्योंकि आजकल मैं अभी रिसेंटली मैंने एक पर्सनल ट्रेनर रखे हुए हैं, शेजर मोहम्मद कराची से हैं, वो क्रिकेटर भी हैं, 4 मंथ्स हो गए हैं कि मैं उनके साथ हूँ, नजर आ रहा है फिटनेस तो मुझे वो काफ़ी चीज़ें अभी पता चली हैं, जो मैं भी यही समझता था कि नहीं यार ट्रेनिंग ठीक है, ये लाइफ है, गुजरी है, करते रहो होता जाएगा, खा लो खा लिया जो मर्जी, लेकिन वैसा नहीं है। आपको नींद, आपका खाना और आपके लिए बिल्कुल जो आइडियल वर्कआउट है वो करना, ठीक, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ, आपकी क्रिकेटिंग लाइफ सब चीज़ों में हेल्प करेगी वो, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, एक तरफ कहा जाता है जनाब क्या टैलेंट है इस बच्चे के अंदर, क्या टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है, टैलेंट या मेहनत या इन दोनों का कॉम्बो क्या चीज़ काम आती है? कई बच्चे होते हैं जो हार्डवर्किंग होते हैं, जो हार्डवर्क करके वो खेल जाते हैं, कई होते हैं टैलेंटेड होते हैं, ये साइकी क्या है? आप तो ये डेली सुनते होंगे कि यार ये प्लेयर आया अच्छे अच्छे इसके शॉट्स लग रहे हैं, बड़ा टैलेंटेड है, टैलेंट में हार्डवर्क में फ़र्क क्या है?
आपने आगे बात बोली थी कि एक एक मैच मैं भी खेल रहा था, अब्दुल्ला शफीक भी खेल रहा था, बिल्कुल, तो कहते थे कि ये काफी अच्छा है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ये इसका उनकी नजर में कि इसका फोकस एटीट्यूड और नहीं इस तरह, सही है, बिल्कुल। तो एग्जांपल वही है आपको, वो अभी भी ही इज अ वेरी कीन गाय, बिल्कुल, उसको मैं जो समझता हूँ कि वो किसी भी, हम सियालकोट में रहते हैं, सियालकोट के जो यंग बच्चे हैं उनके लिए एक आइडियल है कि आप उस किसकी तरफ देखो कि वो उसको अपनी प्रैक्टिसेस, अपनी सारी चीज़ों का पता है, बिल्कुल बिल्कुल, कि यार कौन सा टाइम मेरा ग्राउंड का टाइम है, मैंने प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ मैंने और स्ट्रॉन्ग करनी है, बड़ी सख्त रूटीन है उनकी, तो मतलब वो जो आपने कंपैरिजन बताया वो ये है कि वो ज़्यादा कीन था मुझसे, ठीक, तो लेकिन ये होता है वैसे, वो गली में भी बच्चा खेल रहे हो ना, कि यार बड़ा टैलेंट है, पाकिस्तान खेल जाएगा, तो टैलेंट से बंदा खेलता है, मेरा मतलब ये था टैलेंट से या हार्ड वर्क से, टैलेंट टैलेंट होना एक चीज के, क्या आपके अंदर टैलेंट होना तो मेन है कि नेचुरली है, आप जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी पिक कर जाते हैं, लेकिन उस लेवल पे खेलने के लिए हार्ड वर्क जरूरी है, मतलब उसके बगैर नहीं है, टैलेंट आपको क्या करेगा, आपको आप देखोगे, मैं देखो, मैं बोलूंगा यार ये अच्छा है, जी सही है, मैं यही कर सकता हूँ, टैलेंट यहाँ तक आपको कर सकता है, लेकिन उस बंदे ने आगे खेलने के लिए, ग्राउंड में परफॉर्मेंस देने के लिए वो हार्डवर्क होगा, आप लोगों की नज़रों में आ सकते हो, सही, फिर आगे आपने परफॉर्मेंस करके अपने जो आगे बैरियर्स आने हैं उनको क्रॉस ऐसे ही करना है ना अपनी परफॉर्मेंस से, तो वो आप जितना हार्डवर्क करोगे उतना आपके लिए आसानी होगी। मुझे ये बताएं कि कितना मुश्किल होता है एक टीम के अंदर आप खेल रहे हैं और उसी टीम में से आपने शायद परफॉर्म भी किया हो, एक फैमिली बन जाती है ना, और फिर आपको ड्रॉप कर दिया जाता है, और फिर रिकवर करना, इस प्रोसेस से गुजरना कितना मुश्किल होता है एक प्लेयर के लिए। यार काफ़ी मुश्किल मुश्किल चीज़ है ये कि आपको, आप ड्रॉप हो जाओ स्क्वाड से, तो आई गेस किसी सिचुएशन में ये आपके लिए अच्छा होता है, अगर आप, आपको आपके फोकस, आप कहीं भटके हुए हो, तो आप वो ड्रॉप होना को देखते हो, क्या क्या कहाँ पे गलती हुई, वो उस सेंस में अच्छा होता है कि आप कहते हो नहीं यार अब मुझे करना है जी। और अगर उसके अलावा अगर आप देखते हैं कि दर्द वाला सीन तो पेनफुल काफ़ी होता है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किस वे में लिया है और आपने इसमें वापसी कैसे करनी है, यहाँ तो रोना धोना शुरू कर दो कि यार मार गए लुट गए, जो मीडिया पे आके और फिर इस किस्म के कुछ, हाँ, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं मीडिया पे, हाँ, भी, लेकिन अगर इधर नीचे लेवल पे बात की जाए, नहीं, बट आई वुड नेम अहमद शहजाद है, उमर अकमल है, वो आके सामने आना शुरू हो गए, ठीक है वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, दे आर योर बडी, लेकिन वो सामने आके इस तरह से आना शुरू, बजाय अपनी मेहनत करने के, जनाब देखे तनकीद सिर्फ उनको बोर्ड के अंदर नहीं, लोग भी तनकीद करते हैं, जाहिर बात है कहीं ना कहीं लूप होल्स एक इंसान खुद क्रिएट करता है जिसकी वजह से लोग आपके ऊपर तनकीद करते हैं, तो और मैं ऐसे प्लेयर्स को भी यकीन करें, मैं जानता हूँ वो ड्रॉप हुए हैं और वो कहते हैं जनाब हमारा पैसा, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, वो कहते हैं हमारे पैसे, क्योंकि जब आपका लाइफस्टाइल उस तरह से होना शुरू हो जाता है, गाड़ियाँ आ गई हैं, घर आ गया, बंगला आ गया, प्रॉपर्टी आ गई है, तो जो इनकम होती है वो एकदम से कट ऑफ हो गया, आप ड्रॉप हुए हैं, इनकम एकदम से रुक जाती है, तो वो बहुत मुश्किल होता है एक प्लेयर के लिए उस सारी स्टेज से रिकवर करना, तो आपके ऊपर भी ऐसी स्टेज आई है, लेकिन वो किस तरह से उसको आप मैनेज कर रहे हैं? यार बिल्कुल ये चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन ये मैंने आपको पहले बात की है ना कि आप ड्रॉप हुए, आप साइड पे हो, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे, आप अब नीचे की तरफ अगर आते हो तो आपको काफ़ी चीज़ों का सामना होता है, लोगों की बातें सुनने का, ये सारा कुछ, फाइनेंशियली आप जैसे कह रहे हैं, हाँ, लेकिन एक चीज़ अगर आपका, आप उस रोने धोने में ना पड़ो, मैं छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ, इवन जो बच्चे डिसार्ड हो जाते हैं, सिलेक्ट नहीं होते, ये वो, तो आपने उसको देखना कि आप किस वे में लेते हो, कि यार मर गए लुट गए या नहीं यार अब मैं, मुझे करना है ज़्यादा मेहनत करके वापस, हाँ, तो अगर आप उसको एज अ मोटिवेशन लेते हो तो आई गेस वो फिर आपको चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं लगती, और दूसरा फाइनेंशियली आप ये कह सकते हो भाई अल्लाह मुसलमान है हम, बिल्कुल, तो हमें पता है कि यार ये मेरे नसीब में है, मेहनत मैं कर रहा हूँ, ये मेरे नसीब में है तो ये मुझे मिलना है, कोई रोक नहीं सकता, हाँ अगर नहीं मिल रहा इसका मतलब है कि मेरे नसीब का नहीं है, मैं जो मर्जी कर लूँ नहीं मिलेगा, हाँ अगर आपको हार्डवर्क करना है, अब ये भी नहीं होना, अल्लाह ताला ये भी नहीं कहता कि आप सिर्फ बैठे रहो, हाँ जी प्लेट में आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताएं कभी आप हर्ट हुए हैं कभी ऐसे अंडर 16 या अंडर 19 के ट्रायल देने, और उन्होंने कहा जनाब एक बॉल खिलाई है, उन्होंने कहा जनाब बाहर आ जाए, वो गेट है सामने, बहुत दफा हुआ है। अच्छा अभी अभी वो आप
अब आपको सारी चीजें तो पता है क्योंकि आप खुद क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल। तो ये जनाब मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, जो प्लेयर्स देख रहे हैं, सैफ बदर के साथ भी ऐसा हुआ है, तो जब सैफ बदर के साथ हो सकता है तो आपके साथ तो भी ये होना ही होना है। ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं होना, कोई प्लेयर इसके बगैर खेल जाए, ये होना है। और आप किसका नाम लें, अभी जो अभी आप विराट कोहली देख लें जी, अभी उनको रिसेंटली जो उनके साथ एक बिल्कुल, मुश्किल टाइम गुजरा है, तो एक टाइम पे ऊपर आसमान की तरफ देख कैसे बेबसी का वो मुजाहरा कर रहे थे कि अगर वो बंदा ऐसा हो सकता है इस स्टेज पे आके, उस बंदे ने हर चीज अचीव कर ली है, बिल्कुल उसके बाद भी हो सकता है, तो फिर कोई किसी का किसी के साथ तो कोई वाकया हुआ है ऐसा, कोई अंडर 19 में कोई बता दें कि ट्रायल्स को दिए यार मैंने जब स्टार्ट किया यार जनाब एक और बॉल तो खेल लें, तो अक्सर ट्रायल्स में ऐसे ही होता है ना, 10,000 बच्चा आया होता है ग्राउंड में, तो वो किस तरह से जगह बनती है फिर टीम यार। आपको पता है कि मैंने काफी छोटा, मैं 9 साल का था जब मैंने खेलनी स्टार्ट की, तो तब यही था कि यार खेलना बैटिंग करने, अगर सिलेक्टर ने पास बुला लिया तो इसका मतलब आप उसकी गुड बुक्स में हो। बिल्कुल। तो छोटे होते से मुझे याद है कि हम मैं काफी छोटा था तो मैं ट्रायलों में जाता था, वो मुझे बाहर कर देते कि यार इसकी एज ने अभी आप छोटे हो, तो वो चीज़ें काफ़ी होती थी यार, बड़ी मुसीबत है तो ये छोटे हो तो सी बड़े। फिर एक साल मैं खेल के मुझे एक साल मैं खेला, उसके अगले साल उन्होंने कह दिया बड़े हो गए हो, वो एज कर दिया। तो वो मतलब वो ऐसा हम करते थे कि ट्रायलों में बारी लेने के, देखिए अगर अच्छी बैटिंग नहीं हुई या सिलेक्टर ने नहीं बुलाया, बंदे इतने 10,000-8,000 बंदे होते थे, हम छुप के दोबारा पीछे लाके तो दोबारा बैटिंग करने आ जाते थे। अच्छा, तो ये तो काफ़ी हुआ। अच्छा मुझे बताएं, मैं एक निजी चैनल में था उस टाइम, तो मेरे सामने एक खबर आई कि जनाब ये फाइट और इस तरह की कॉन्ट्रोवर्शियल कोई चीज़ हो गई है। मैंने ऊपर पढ़ा शायद अफरीदी सैफ बदर, मैं कह यार ते अपना बंदा है वो वाकया क्या हुआ था शायद भाई, क्यों आपसे नाराज हुए थे पीएसएल के अंदर, आई गेस वो आपने उनको छिक्का मारा था, वो सारा क्या वाकया था शायद भाई, क्यों इतना आपसे नाराज हो गए थे? फाइट वाला कोई सीन नहीं था वो, तो बस आपको पता है कि वो मीडिया पर आपको पता है हमारा काम ही होता है उसको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाना। तो वो हुआ ये था कि कराची से मैच था, तो उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छी, हमारे 4-5 आउट हो गए थे 40-50 पे, तो शायद भाई बॉलिंग कर रहे थे, तो मैं बिल्कुल 18-19 साल का बच्चा था, तो मैंने उनको पहले एक चौका मारा, फिर नेक्स्ट एक दो बॉल बाद छक्का मारा, उससे वेरी नेक्स्ट बॉल उन्होंने मुझे बोल्ड कर दिया। सही। तो वो उन्होंने वो रिएक्शन दिया, इशारा मुझे किया कि पुलियन की तरफ था। नहीं बोलने का नहीं मुझे पता कि उन्होंने क्या, मुझे अभी भी पूछते हैं कि क्या बोला था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि क्या उन्होंने बोला था, लेकिन इशारा किया था कि पुलियन की तरफ। लेकिन उस चीज़ से भी मुझे एक चीज़ सीखने को ये मिली कि यार इतना बड़ा स्टार, बिल्कुल, और आई वॉज नथिंग, बिल्कुल राइट। तो उस चीज को कि मैंने उनको चौका मारा छक्का मारा, तो वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं स्टार हूँ ये वो ना, तो उन्होंने मुझसे मैच डाला, मुझे आउट किया, और उस वो जो इनका रिएक्शन था उससे शो हुआ कि तजर्बा ही होता है, और इस उम्र में भी आप ग्राउंड में हो, आप सीनियर जूनियर नहीं हो, सही सही, तो आपको 100% एफर्ट करनी है। तो वो बंदा अभी भी ग्राउंड में उतरता है तो उसी जज्बे से खेलता है, फाइटिंग के जज्बे से। उसके बाद वैसे क्या बात हुई, ड्रेसिंग रूम में जाए कोई बात हुई, उसके बाद ट्विटर पे वो ट्रेंड करती रही चीज, वो आपकी शायद भाई की, मैं वो क्या मेरा, आपने माफी मांगी थी या शायद भाई ने क्या, मैंने तो कुछ किया नहीं था, मैंने क्यों करना था। अच्छा, तो वो हुआ ये था कि छक्का मार दिया था मेरा, तो मेरा सोशल मीडिया, मैं ट्विटर हैंडल करता है हारून लड़का है इंग्लैंड से ना, उसने ट्वीट कर दी कि उसी पीएसएल के पेज पे वो अपलोड होती है, तो उसी ने उसके ऊपर ट्वीट कर दी स्टिल लव यू शायद ट्विटर देखो क्या हुआ, मेरे 2-3-4 हज़ार फॉलोअर्स थे, मैंने देखा कोई 15-20 हज़ार फॉलोअर्स हो गए। अच्छा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैंने देखा तो ट्वीट उसने की हुई, तो मुझे मैसेजेस कॉल आने लगे दोस्तों के, खैर तो ये सारा वाकया हुआ, खैर उनका वो डांटना ये वो, फिर उन्होंने उसके नीचे सॉरी किया कि जो भी हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट ये वो ग्राउंड में, आई ऑलवेज सपोर्ट माय यंगस्टर, तो वो तो जारी से बात है, सबको पता है कि वो यंगस्टर्स को हमेशा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो ये है कि उसके नेक्स्ट डे ये हुआ, मैं और उसामा स्विमिंग पूल पर बैठे हुए थे, तो शायद भाई का इंटरव्यू हो रहा था, तो उधर से गुजरे, मैं उसामा के पीछे छुप रहा हूँ, उसामा शायद भाई गुजरे, तो वो मुझे अभी भी इस बात से तंग करता है, डर है शायद भाई का। वैसे यार उनकी पर्सनैलिटी ऐसे है कि वो रोब वाली है। अच्छा, लेकिन वैसे मिलने में अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, यंगस्टर्स को हेल्प आउट करते हैं यार,
इतना इतना बड़ा नाम होना, वो अल्लाह ताला इतनी इज्जत इंसान को, कम क्रिकेटर्स हैं, कम क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में तो आई डोंट थिंक सो के अभी शाहिद अफरीदी से बड़ा जो फेम शाहिद अफरीदी का है, जो पहले नंबर पे इमरान खान, दूसरे नंबर पे शाहिद अफरीदी। ये तो अब आपकी अपनी वो मर्जी है, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो आप इस बात से नहीं एग्री करते? मैं कहां एज अ क्रिकेटर, एज अ क्रिकेटर ठीक है, जैसे मैं हां ठीक है, नहीं एज ए पॉलिटिक्स जो है वो आप एज अ जर्नलिस्ट, मैं जनाब नहीं, मैंने एक फैन फॉलोइंग इमरान खान, आप ऐसे किसको वोट डालेंगे? हाँ मैंने लास्ट टाइम इमरान खान को डाला था, वे लियो नून लीग दी हुकूमत जे पीडीएम। नेक्स्ट नेक्स्ट भी अगर जैसे वो कर रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी है, आपको इख्तलाफ सबसे होता है, बिल्कुल उनसे भी है, आपका हक है, लेकिन ये है कि अभी तक तो सही चल रहा है, अगले साल का वोट भी खान साहब का। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये क्रिकेट बैट्स जो होते हैं इनके अंदर ये डिफरेंस क्या है, आजकल कोई बैट लेने जाए किस तरह से बैट अपना सेलेक्ट करें? ये भी एक प्रिसेप्शन बन गई हुई है, 10,000 वाला बैट, लाख रुपए वाला बैट, 2,00,000 रुपए वाला बैट, ये 50,000 वाला बैट, तो बैट्स से फर्क पड़ता है या बैट्समैन से फर्क पड़ता है? दोनों चीजों से पड़ता है। अच्छा हाँ ठीक, क्योंकि आपके पास जितना अच्छा सामान होगा आप उतने आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है उस चीज पे, सेटिस्फेक्शन भी होती और सेटिस्फेक्शन भी होती है ठीक, और बैट बिल्कुल मैटर करते हैं। सही, अभी आप देख लें रिसेंटली क्रिकेट में ऐसे ऐसे छक्के लगते हैं कि वो स्टेडियम से बाहर बॉल जा रहे होते हैं, तो बैट्समैन का तो कमाल होता ही है, लेकिन उस पे वो ज्यादा हो जाता है जब बैट अच्छे हों आपके पास। तो ये आजकल प्लेयर्स कहीं ऐसे हैं वो इंडियन बैट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो पाकिस्तानी बैट, इंडियन बैट, मैक और फिर कोकापुरा, ग्रे निकल्स, ये इनमें फर्क क्या है? लकड़ी तो एक ही है, तो ये सिर्फ बनावट का फर्क है यार। सबको डिफरेंट डिफरेंट पसंद है, अभी इंडियंस काफी अच्छे बैट बन रहे हैं, फिर कुछ प्लेयर्स हैं जिनको इंग्लिश बल्लों से खेलने पसंद है। हाँ पाकिस्तानी बैट्स एक टाइम पे बहुत नाम था, फिर ये एक टाइम आया कि वो उतने अच्छे नहीं, बाहर जाने लगे प्लेयर्स इंडियन और इंग्लिश बैट से खेलने लगे, लेकिन अब फिर ये टाइम आया पिछले एक दो साल में कि पाकिस्तान दोबारा, पाकिस्तान की ये जो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है क्रिकेट वाली, ये बहुत अच्छे क्वालिटी के बैट्स अब प्लेयर्स को मिलने लगे। लेकिन इसमें इशू ये है ना कि अब क्योंकि मैं खुद भी इंडिया जाके मैंने क्रिकेट खेली, वहाँ पर भी मैंने वहाँ पर देखा कि बच्चों को स्पॉन्सर्स होते हैं स्कूल्स की तरफ से, जो गरीब बच्चे हैं, तो इस वजह से शायद मेरी अपनी ये थिंकिंग है कि वहाँ पर बैट्समैन निकलते हैं ज़्यादा। पाकिस्तान के अंदर वो एक ये भी एक प्रिसेप्शन बन गई हुई है, एक सोच है कि जनाब गरीब का बच्चा बॉलर और जिसके पास बैट है वो बैट्समैन बन गया, जो जो तो ये यहाँ पे बोर्ड की तरफ से या फिर स्कूल्स की तरफ से कोई ऐसा आपके ख्याल में कोई होना चाहिए ऐसा इदारा जो टैलेंटेड बच्चों को क्लब लेवल पे, स्कूल लेवल पे बच्चों को अच्छे बैट्स, अच्छा सामान दे? बिल्कुल होना चाहिए, इसकी एज अ इंडिविजुअल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर कोई अदारा नहीं है तो बैट कंपनी के ऑनर्स को कुछ ऐसे का करना पड़ेगा कि यार आप अपने अपने एरियाज में क्रिकेट का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, बच्चों को इस साइड पे लेके आने के लिए कुछ ऐसे का करें कि वो आए जी। फिर जब उनके पास अच्छा सामान होगा सब कुछ, तो उनमें एक शौक शौक की बात है। जब आप बच्चे होते हो तो हमें याद है, मुझे याद है कि मैं छोटा था, क्रिकेट 9 साल से भी पहले, तो मैं स्कूल जाते हुए रास्ते से गुजरता था तो एक शॉप आती थी, मैं देखता था उसके अंदर एक हार्ड बॉल का बैट भरा होता था। अच्छा सही है, तो मैं देखता था वो 600 कुछ रुपए का था। सही, तो मैं सोचता था कि यार ये ईद आएगी ना, मैं पैसे जोड़ूंगा तो मैं ये लूँगा। तो मुझे याद है 300, 200, 300, 350 होता था तो मैं पैसे खा जाता था। सही है, क्योंकि 600 होता नहीं था। बिल्कुल, तो वो एक अगर आप उनको दोगे तो ये एक उनका इंटरेस्ट इस साइड पे बढ़ेगा। और ये जो सियालकोट की क्रिकेट है, ये जो अब ये वापस आना शुरू हो गए, सियालकोट रीजन और ये जो ये स्ट्रक्चर क्रिकेट रीजन और डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है, अब ये दोबारा जी वापटा पीआई, ये जो टीम्स इस तरह की होती हैं, बैंक्स की टीम होती हैं, ये स्ट्रक्चर वापस आ गया अब दोबारा, क्या ये बेहतर है या क्या वो 6 टीमों वाला स्ट्रक्चर बेहतर था? यार सिस्टम कोई भी हो ना, अगर उसको रन अच्छे तरीके से किया जाए तो वो भी अच्छा था और ये भी अच्छा होगा। सही सही है। हाँ इसमें जो जब सिस्टम चेंज हुआ था तो काफ़ी प्लेयर्स जॉबलेस हुए थे, तो लेकिन ये था कि उसमें 6 टीमें, जो सारे क्रिकेटर्स हम बात करते हैं कि 6 टीमें बहुत कम थी, पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है जी। और आई गेस 1-2 करोड़ बंदा तो सिर्फ क्रिकेट खेलता होगा। बिल्कुल, तो उस उसके लिए 6 टीमें बहुत कम थी। हाँ डिपार्टमेंट्स में ये होता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं,
टीमें ज़्यादा होती हैं और आपको जॉब्स की जो वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, और उस हिसाब से आई गेस ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा जॉब मिलेंगी, और आप यू नो कि आप कोई भी काम तब अच्छे से कर सकते हो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर आपको फाइनेंशियली उसको क्या कहते हैं, एक स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको पता होगा कि यार हाँ ये मेरा है, ये करूँगा। और डिपार्टमेंट क्रिकेट में ये होता था, 6 टीमों में ये था कि यार आप परफॉर्म कर रहे हो, आप हो जिधर, 1-2-3 मैच 19-20 हुआ आप, क्योंकि ड्रॉप हो जाते पीछे लाइन में बंदे लगे हुए हैं। सही सही। डिपार्टमेंट्स में ये होता है कि हाँ यार ये प्लेयर की एबिलिटी है, चलो इस पे बैड टाइम आया है, उस पे एक मार्जिन होता है कि नहीं यार बिल्कुल इसे ड्रॉप नहीं करना, इसे साथ रखना है। हाँ, तो उसमें ये था कि वो बहुत सारे प्लेयर्स खेल भी रहे थे डिपार्टमेंट क्रिकेट, जाहिर बात है ये तो गिने चुने प्लेयर्स आते हैं 6 टीमों के अंदर, उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर्स जो है उनको चांस मिलता था, वो खेल रहे थे इसके अंदर। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, तो ये दोबारा सिस्टम वापस आ रहा है, लेकिन उसके अंदर एक इशू है सफी भाई, उसके अंदर इशू ये है कि बंदा नज़रों में नहीं आता। ये 6 टीम वाला जो स्ट्रक्चर था ना, इसमें नज़रों में बंदा बड़ी जल्दी आता। मैंने कहा था कि इस सिस्टम का जो मतलब हम प्लेयर्स कहते हैं कि जो थोड़ा मुश्किल चीज़ ये थी कि 6 टीमें थी, अगर 8 टीमें होती तो प्लेयर्स को और चांस मिलता। और देखा जाए कि इस सिस्टम में आप देखेंगे जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, और इससे पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट या डिपार्टमेंट फर्स्ट क्लास क्रिकेट और ये वाली क्रिकेट को इतना देखा नहीं था जाता, उसके परफॉर्मर को बहुत कम लोग जानते थे। अगर आप देखें, आपसे मैं पूछूं कि इस साल का बेस्ट परफॉर्मर कौन है, पिछले साल किसने किया था, ये 3-4 सालों में कि वो इतनी हाईलाइट हुई है, उसका उसकी सारे मैचेस टीवी पे आप देख रहे हो, हर जगह देख रहे हो, उसके परफॉर्मेंस को मौका मिल रहा है पाकिस्तान खेलने का। अब हमारे मुझे याद है हमारे सियालकोट के अल्लाह बख्शे ताहिर मुगल साहब थे, 500 प्लस आउट थे उनके फर्स्ट क्लास, तो लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो नजरों में नहीं उस तरह से आए, क्योंकि वो तब टेलीविजन पे नहीं थी आ रही उस तरह से, लेकिन वो कितना बड़ा बॉलर था वो शख्स, वो कितने बड़े बॉलर थे। मैं खुद उनका स्टूडेंट रहा हूँ और वो मेरे उस्ताद थे, जो भी आज मेरे पास जो थोड़ा बहुत हुनर है वो उन्हीं से मैंने सीखा हुआ था। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो ये वाली क्रिकेट शुरू हो जाती है, लेकिन जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, स्कोर भी कर रहे होते हैं, वो नज़रों में नहीं आते हैं। सैफी भाई मुझे ये भी बताएं, अच्छा सैफी भाई भी दो हैं ना, एक तो हमारे सरफराज अहमद साहब हैं, एक हाफी हैं सैफी, आपको भी वैसे सारे प्लेयर सैफी सैफी कहते हैं? हाँ सैफी कहते हैं, एक सैफी भाई और है सियालकोट के। जी जी वो भी, उनको भी मैं जानता हूँ बिल्कुल, उनको नहीं बोलना उनको नहीं बोलना, उन्होंने भूल गए, गलती नहीं करनी है, उन्होंने पकड़ लेना, उन्होंने कल आ जाना थोड़े दरवाजा कर। अच्छा मुझे ये बताएं, ऑनलाइन क्लासेस तो सुनी थी, ऑनलाइन हमने एग्जाम सुने थे, ये ऑनलाइन कोचिंग वाला क्या सीन है भाई, ये जो अब आजकल ये चल रहा है कि जो नए कोच आए, मिकी ऑर्थर आए हैं अभी, आए नहीं अभी, आई गेस बात चल रही है कोई, मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा था, वो कह रहे जी हम ऑनलाइन जो है वो हम क्लासेस देंगे, तो ये क्लासेस हैं, ये कोचिंग है ऑनलाइन? आई गेस वो इस वजह से है कि वो बिजी है, वो डर्बीशायर की कोचिंग में, और उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है फुल टाइम। सही, तो इस वजह से आई गेस एक उन्होंने आइडिया आई गेस दिया, मुझे कंफर्म नहीं हुआ अभी, ये आई गेस कंफर्म नहीं हुआ। सही, लेकिन ये बात चल रही थी कि वो ऑनलाइन कुछ टूर्स में अवेलेबल होंगे, कुछ जिसमें नहीं होंगे, तो वो ऑनलाइन सात टीम को देखेंगे। सही, तो सही। अभी इस पे बात चल रही है, कोई कंफर्म नहीं है। हाँ चलें, इसको हम फिर डिस्कस नहीं करते, फिर कभी डिस्कस। नई चीज़ है, नई चीज़ होगी अगर हुई तो नई चीज़ें कोरोना के बाद काफ़ी सारी हुई हैं, तो ये भी हम देख लेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो US मूव कर गए हैं, क्या वजह हुई है, कोई यही जो आप जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है उसके चेंज होने की वजह से वो मूव कर गए हैं, और आपके ख्याल में कौन कौन अभी तक यहाँ से चला गया यार, कोई बड़े नाम जो आप जो काफ़ी प्लेयर्स चले गए हैं, जैसे समी असलम टेस्ट क्रिकेटर है, हमाद आजम, एहसान आदिल, ज़ियाउल हक, रमीज़ राजा जूनियर थे पहले, साद अली थे, जी जी, तो काफ़ी प्लेयर्स चले गए हैं, तो इसी वजह से गए थे जब स्ट्रक्चर चेंज हुआ। जैसे पहले हमने बात किया कि टीम्स 6 थी, प्लेयर्स को मौके वैसे नहीं थे, और दूसरी चीज़ के आपको 1-2 मैच खेला, आपने परफॉर्मेंस करते रहना है एवरी मैच में, तो आप कंसीडर होते जाओगे। तो क्या आगे वो US की टीम के अंदर उनको चांस मिल जाएगा, आपके ख्याल में कोई अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल, जो वो सारे वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, सो आई गेस जो भी, मुझे सही आइडिया नहीं है, एक रूल होता है कि आप कहीं भी किसी भी कंट्री दूसरी कंट्री से कितना एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है कि उसके बाद आप उसके लिए एलिजिबल होते हो कि आप खेल सकते हो, तो अगर
अगर मेरा 2 साल कहीं 3 साल कहीं 5 साल ऐसे होता है तो क्या वजह है? यूएस में क्रिकेट अच्छी है, पैसा ज्यादा है, क्यों प्लेयर्स वहां पे जा रहे हैं, क्लब्स अच्छे हैं? नहीं, क्रिकेट तो पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं कर सकते यूएसए से, लेकिन ये है कि वहाँ क्रिकेट डेवलप हो रही है। मैं लास्ट ईयर था खेलने गया था, तो वैसे ही मैं तो हॉलीडेज के लिए गया था, लेकिन वहाँ क्रिकेट थोड़ी सी देखी। तो उधर क्रिकेट डेवलप हो रही है, इन्वेस्ट किया जा रहा है क्रिकेट पे यूएसए में, ठीक। तो लेकिन ये है कि उसको अभी टाइम लगेगा। सही हो गया। मुझे एक आखिरी बस बताइएगा, ड्रेसिंग रूम के अंदर हमें तो सामने नज़र आ रहा होता है जो ग्राउंड के अंदर होता है, जो ग्राउंड के अंदर मामला चल रहे होते हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या बातें चल रही होती हैं? यही माहौल होता है जो आम दोस्तों वाला माहौल होता है, फ्रेंडली माहौल होता है वहाँ पे, क्योंकि वो तो टेलीविज़न पे नहीं आ रहा होता। जो जो मेन स्ट्रीम पे जो टेलीविज़न पे आ रहा होता है, वो ग्राउंड के अंदर जो क्रिकेट हो रही होती है, पीछे क्या चल रहा होता है? मैच कोई फंस गया है, कोई कप्तान गुस्सा करता है, कोई ऐसा कोई वाकया कोई याद हो, कोई मैच आपने बड़ा लाइटली लिया हो, बाद में मैच हार गए हो, कोई ऐसा कोई वाकया याद है आपको? यार ऐसा तो ऐसा कोई नहीं आ रहा, लेकिन वैसे अगर ड्रेसिंग रूम के माहौल की बात की जाए तो वो चेंज होता रहता है। ज़्यादा कोशिश यही होती है कि जितना आप रिलैक्स रहो, क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म तब भी करोगे कि जब आप रिलैक्स मोड पे हो, तो रिलैक्स चिल भी होता है, डिपेंड ऑन द मैच के कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है तो मजाक भी चल रहे हैं, सीरियस हो तो फिर आपको सीरियस भी मैच में इन्वॉल्व रहने के लिए रहना पड़ता है। और वाकया तो काफ़ी होते हैं, अभी मुझे ऐसा कोई याद नहीं आ रहा। मुझे एक और वाकया याद है, मुझे वो वाला वाकया सुना दें, वो जो क्वेटा के अंदर आप मैच खेलने गए थे। हाँ, वो तो अच्छा, ये भी मुझे बताएं कि ये मैं आपको नहीं, मैं खुद मैं ये मेरे अपने ये पर्सनल व्यूज़ हैं, तो क्वेटा में और ऐसी जगहों पे मैच रख देते हैं जहाँ पे सेफ भी नहीं है, तो वहाँ पे जाके प्लेयर्स जो है वो, जाहिरी बात है कुछ और भी ये डिस्कशन हो रही थी एक दो प्लेयर्स से, और भी वो कहते हैं जनाब हम तो डरे ही रहते हैं कि कहीं कुछ हो ही ना जाए। हाँ, तो लेकिन ये है वो क्वेटा वाला, वो पहले वाकया तो सुनाए, वो आप और बिलावल भट्टी थे। हाँ, पहले तो ये है कि अभी जब हमारे इधर मैचेस होते हैं तो हमें काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी दी जाती है। सही। तो वैसे कि सिटीज़ में जाके अच्छा भी लगता है, क्योंकि वहाँ लोग काफ़ी प्यार करने वाले मिलते हैं, सिक्योरिटी दी जाती है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि सारे मामला अच्छे हैं हमारे पाकिस्तान में। तो वो वाकया काफ़ी 2-3 साल पहले गए, बड़ा ज़ालिम वाकया। तो मुझे याद है मैं और बिलावल भट्टी थे, तो हम तीसरे दोस्त का वेट कर रहे थे अली शफीक का, कि हम होटल से बाहर निकले हैं तो हम सामने रोड क्रॉस करके खड़े हो गए, खाना खाने जा रहे थे, थोड़ी सी वॉक साथ कर लेते थे, तो हम खड़े हो गए, एक ब्लैक गाड़ी आई है, ब्लैक शीशे थे तो हमारे सामने खड़ी हुई है ना, हम बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं बिल्कुल सामने आ गए। हाँ, तो वो गाड़ी रुकी है, पीछे से दरवाज़ा खुला है, 4 बंदे बड़ी बड़ी गन्नी लेके बैठे हुए हैं। अब हमने कहा ये वो जैसे मूवीज में देखा या सुना नहीं होता कि यार ऐसे आए हुआ मारा बंदे को गुजर गए, तो अब फुल डर गए मैं भी बिलावल भट्टी भी, और मतलब हमारा दिल कर रहा है कि हम इधर से भाग जाएं, लेकिन हमारी टांगें इजाज़त नहीं दे रही, काम पे टांग गई। हाँ, काम पे टांग गई। तो वो क्या हुआ, उधर से बंदा, वो गाड़ी खुली, हमने कहा ये क्या होने लगा, समझ ही नहीं आई कुछ भी ना, डर के खड़े हो गए, मूव भी नहीं हुआ जा रहा, वो अंदर से गाड़ी से बंदा निकला, दरवाज़ा बंद हुआ, तो वो चले गए। लेकिन वो आप लोग की हवा निकल गई, वो जो 10 सेकंड थे ना, वो मैंने अंदर कलमा शलमा सब कुछ पढ़ लिया था, मैंने कहा आखिरी वक्त आ गए। सही भाई, गुड लक टू यू, और बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, इंशाल्लाह ताला आपके साथ दोबारा नेट करेंगे और चैलेंज करके, हमारे साथ मौजूद थे। डिसहार्ट नहीं होना, यही आज हमारा मेन ये था कि अगर आप ड्रॉप भी होते हैं, ट्रायल्स के अंदर जाते हैं, अगर आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता तो मेहनत आपने नहीं छोड़नी। इंशाल्लाह ताला किसी और गेस्ट के साथ किसी और पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। अपने मेज़बान अहमद रज़ा को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह के बाद।